कैसे हैं आप? अल्मोड़ा उत्तराखंड इंडिया में एक आर्टिस्ट सिंपोजियम कल दिनांक 20 तारीख से चालू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, और उसमें बहुत सारे चित्रकार हमारे बीच में हैं। और आज सिंपोजियम का दूसरा दिन है, और इस दूसरे दिन में हमारे बीच में हैं भारत के चुनिंदा चित्रकारों में से एक डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद, और एक जबरदस्त चित्रकार और क्राफ्टमैनशिप इनके अंदर है। अपने काम में व्यस्त हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। उदय शंकर नाट्य अकेडमी अल्मोड़ा में नवनिर्मित आर्ट गैलरी में। हाँ लक्ष्मण जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सर? अल्मोड़ा पहली बार आए हैं या पहले भी कभी आना हुआ है आपका? विगत वर्षों में तो आया हूँ, लेकिन एकेडमिक कार्य से जब आते हैं हाँ तो किसी भी क्षेत्र के सौंदर्य का दर्शन आप नहीं कर पाते हैं। अच्छा अच्छा क्योंकि ये कैंप उसी एनवायरनमेंट का एक पार्ट है जिसमें हम स्वच्छंद होकर यहाँ की वादियों को महसूस करेंगे। कल्चरल डिस्कशन कल के ओपनिंग सेरेमनी में भी हुआ, और जो म्यूजियम का एक बेस था जिसका उद्देश्य है उसको वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। चूँकि 3 दिन 4 दिन के कैंप में वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि उसको पेंट करने के लिए एक आपको समय बिताना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्षणिक 2-3 दिन में महसूस उस नहीं किया जाए, लेकिन उस वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं आपको इंटरप्ट करूँगा सर, देखिए ना, आपको देख करके देखिए, जबकि आप समकालीन चित्रकारों में भारत में अच्छा हस्ताक्षर रखते हैं आज के समय में, उसके बावजूद भी देखिए आपकी क्राफ्टमैनशिप के बड़े कायल हैं सब लोग। इस वजह से कि देखिए ना, पट चित्रकारों की तरह से आप पट करके बैठे हैं और इत्मीनान से काम कर रहे हैं, ये सादगी बहुत बदले चित्रकारों में देखने को मिलती है। तो खैर, ये 3 दिन का और कार्यक्रम होगा, 24 तक शायद चलेगा ना जी। तो आपसे बातचीत होती रहेंगी, जैसे जैसे आपका काम आगे बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपसे मुलाकात होती रहेगी, क्यों? ठीक है, आप करिए। धन्यवाद। हाँ, तो इसी क्रम में दूसरे चित्रकारों तक जाता हूँ। काम अभी शुरू हुआ है, ये प्रारंभिक अवस्था में है। ये डॉक्टर लक्ष्मण का काम है, और उन्होंने पेंटिंग को बेस देख करके छोड़ दिया है, उस पर कुछ काम करेंगे। और ये एक और प्रसिद्ध चित्रकार हैं भारत के, नरेंद्र सिंह मुरादाबादी, मुरादाबाद से हैं। आपका काम और ये जो काम बेस बना करके छोड़ा है, ये गोरखपुर की चित्रकार हैं। आप हैं सीता विश्वकर्मा, और आइए ले चलते हैं आपको प्रोफेसर राम बिरंजन, बहुत ज़बरदस्त हस्ताक्षर हैं भारत में आज के समय में। प्रोफेसर साहब, आज आपको काम करते हुए देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। इस सिंपोजियम की एक बड़ी विशेषता, एक बड़ा अचीवमेंट स्वयं में ये है कि आप इस सिंपोजियम को ज्वाइन किए हुए हैं। कैसा लग रहा है सर अल्मोड़ा? हाँ, अल्मोड़ा तो कई बार आया हूँ मैं, और यहाँ हर बार आके आनंद मिलता है। और यहाँ की प्रकृति है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ की कल्चर है, यहाँ का जितना सारा एटमॉस्फेयर है वो अद्भुत है, और ये मुझे हमेशा प्रेरित करता है। मैंने यहाँ के लोगों पे पेंट भी किया पहले भी, और मैं ये पेंट भी कर रहा हूँ, तो यहाँ की कल मैंने जो देखा लड़कियाँ वो स्पेशल ड्रेस में थी। बिल्कुल, तो मुझे लगा कि यही मेरे सब्जेक्ट का जो रंगोली है ना सर, जो पिछौड़ा है यहाँ का, वो बहुत खूबसूरत है वो। जी जी जी, और मैं उसी को कुछ देखता हूँ क्या फ्लेवर आ पाता है उसमें। नहीं नहीं, वो आपके अंदाज आपके स्टाइल में जब वो फ्लेवर आएगा तो निश्चित मानिए पेंटिंग बहुमूल्य हो जाएगी। शुक्रिया सर, अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि अभी प्रारंभिक अवस्था में काम है, धीरे धीरे जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है, हाँ, तो वैसे वैसे मैं आपको जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये सब तक पहुँचना चाहिए सिंपोजियम, और ये जो एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम है, और इसको आगे बढ़ना चाहिए। जी 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 जी, ठीक है सर, शुक्रिया, अच्छा करिए आप, आपका दिन अच्छा हो, अच्छी क्रिएशन आपके बीच हो। हाँ तो मित्रों, ये जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है, ये जिला प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डिपार्टमेंट ने किया है, और इसमें बहुत ज़्यादा इंसेंटिव जो लिया था वो डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफिसर राहुल चौबे जी ने,
और प्रयास सभी लोगों का रहा है और मेरा स्वयं का भी प्रयास रहा है। और ये है एक नितिन कांडपाल चित्रकार हैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से हैं। और जिस तरीके से रंग लग रहे हैं, लग रहा है कि ये 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी के हिसाब से कुछ चित्र संरचना दिख रही है कांडपाल जी की, ऐसा मुझे अभी महसूस हो रहा है। पता नहीं कहाँ तक जाएगा, अभी शुरुआत में है। हाँ, तो ये दिन आप एक जूनियर आर्टिस्ट की हैसियत से आपने इसे ज्वाइन कर रखा है, लेकिन कार्य अनुभव आपका काफ़ी अच्छा है, और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपने इस आर्टिस्ट कैंप को अल्मोड़ा में मेरे ख्याल से पहली बार किया? अल्मोड़ा का ये मेरा पहला आर्टिस्ट कैंप है। तो वो मेरी पढ़ाई यहीं से, शुरुआती दौर मेरा अल्मोड़ा से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चालू हुआ है जर्नी में। बिल्कुल बिल्कुल। किन लोगों से प्रेरित हैं खास आप, कुछ बता सकते हैं? सर, प्रेरित के उसमें बोलूँ तो स्टाइल सबकी डिफरेंट है। हाँ जी, हाँ जी। मैं वैन गॉग से प्रेरित हूँ, रेम्ब्रांड के क्लासिक आर्ट से प्रेरित हूँ, और इंडियन जो हमारा वॉश स्टाइल है, टेक्निक, ठीक ठीक ठीक, उस स्टाइल से जरूर प्रेरित हूँ। बट उसको ना कि वो जैसे धूमिल हो जाता था, उसी को थोड़ा अपनी स्टाइल से वाइब्रेंसी के साथ। ठीक है, अच्छा करिए, अभी तो शुरुआती अवस्था में है, कम तो धीरे धीरे आ गया अब तक के पढ़ते हैं। और ये एक और चित्रकार हैं अभी, क्योंकि सीनियर चित्रकारों के संगत में ये बहुत ज़रूरी है कि इस विधा का जो हस्तांतरण हो, जो एक तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या नई पीढ़ी तक के जाने के लिए है, उसके लिए ये किस सिंपल से मैं ये व्यवस्था करी गई है कि जूनियर आर्टिस्ट को भी मौका देंगे। तो यहाँ पे चंदन आ रही है। हाँ चंदन जी, अभी शुरुआती अवस्था में चल रहा है पेंटिंग है जी सर? ठीक है, बहुत अच्छा, आगे आगे बात करेंगे। कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा एटमॉस्फेयर सर बहुत कम ही देखने को मिलता है, और बहुत सारे आर्टिस्ट। नहीं, आप मास्क हटा सकते हैं, क्योंकि हम लोग दो गज की दूरी पे जरूर मेंटेन है ना जी सर, तो ऐसी अवस्था में हम लोग ठीक से बातचीत कर सकते हैं। सो सर, एक अच्छी बात यह है कि जगह जगह से आए आर्टिस्ट, उनका काम देखना, उनका स्टाइल देखना, उनकी 10 जगह से अगर आर्टिस्ट आए तो 10 लोगों का हम काम देखते हैं, बिल्कुल उनके 10 स्टाइल्स हम सीखते हैं। वर्कशॉप का जो सबसे मेन चीज़ है वो यही है कि हम अलग अलग चीज़ें समझना, जानना, और संस्कृति को उनकी भी समझना, और हमारी संस्कृति को उनको देना। बिल्कुल बिल्कुल चंदन जी, जैसे काम आगे बढ़ता है फिर आपसे मिलते हैं। ठीक।